The motifs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of Kashmir. ये जो डिजाइन बनाई जाती हैं शॉल्स के ऊपर ये इतनी अलग अलग तरीके की होती हैं जैसे बिल्कुल कश्मीर वैली की खूबसूरती है. Both men and women work on the patterns in their homes. दोनों ही चाहे men हो या women हो वो इन patterns पर अपने घरों में काम करते हैं. The नक्काश works out at the patterns. और नक्काश जो है वो इन patterns पे काम करते हैं. The most popular design is a decorative border at both ends of the shawl. सबसे ज्यादा फेमस डिजाइन ये पॉपुलर डिजाइन कौन सी है कि जो डेकोरेटिव बॉर्डर है यानी कि जो शॉल है उसके दोनों एंड्स पे जो बॉर्डर है वो डेकोरेट है. द डिजाइन इज वर्क इवनली ऑन बोथ साइड्स और दो डिजाइन पर दोनों तरफ से बराबर उसमें काम किया जाता है. द पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू काइंड. पश्मीना शॉल दो तरीके के होते हैं. द लूम शॉल वोवन एंटायरली ऑन द लूम एंड द शॉल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न. एक उसमें क्या होता है पश्मीना शॉल एक तो लूम शॉल है जो पूरी तरह से लूम पे ही बनाया जाता है और एक वो शॉल है जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड होता है पैटर्न. द वर्ल्ड फेमस रिंग शॉल इज एन एक्विसिट एंड फाइन फैब्रिक दैट कैन पास थ्रू अ रिंग. जो सबसे फेमस रिंग शॉल है वो वहां की एक तरह से कहना चाहिए सबसे फाइनेस्ट शॉल है और इतना फाइन फैब्रिक है कि वो एक रिंग के थ्रू पास हो सकता है. हाई इन द प्लेटी ऑफ तिब्बत एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 5,000 meters रोम द तिब्बतियन एंटीलोप. ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे जो तिब्बत का बहुत ऊंचा पहाड़ है और ईस्टर्न पार्ट है लद्दाख का वहां पर आपको लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पे तिब्बतियन एंटीलोप मिल जाएगा. ड्यूरिंग ग्रेजिंग अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ द डाउनी हेयर फ्रॉम द थ्रोट आर शेड विच आर पेनस्टेकिंगली कलेक्टेड बाय द नोमैड्स एंड फाइनली सप्लाइड टू द कश्मीरी शॉल मेकर्स एट शहतूश. जब वो घास चरते हैं उस टाइम पे क्या होता है उनके जो हेयर्स हैं वो उनके थ्रोट के नीचे से गिर जाते हैं और जिनको बहुत मुश्किलों से ये जो बंजारे होते हैं नोमैड्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं और फिर उनको कश्मीरी शॉल वालों को सप्लाई कर देते हैं जिनको शहतूश कहते हैं. द शहतूश शॉल मेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द तिब्बतियन एंटीलोप चिरू इज अ रेयर फैब्रिक नाउ. ये जो शहतूश है ये जो शहतूश का जो शॉल है ये उस धागे से बना है उस फर से बना है तिब्बतियन एंटीलोप की चिरू जो कि बहुत ही अब एक रेयर फैब्रिक है. अनदर रेयर एंड सोफिस्टिकेटेड शॉल इज द जामवर शॉल. अब दूसरा एक और इसी तरीके का बहुत ही रेयर और सोफिस्टिकेटेड शॉल है जिसे कहते हैं जामवर शॉल. इन दिस द वाव एंड द वेफ थ्रेड्स आर डाइड बिफोर वीविंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. इसमें क्या होता है वार्फ और वेफ्ट के जो धागे है उनको पहले रंगा जाता है वीव करने यानी बुनने से पहले एक डिजाइन में उनको रंगा जाता है. The price of the Pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees depending on the craftsmanship and the time taking in its making. ये जो price है Pashmina shawl की ये हजारों से लेके लाखों रुपए तक हो सकती है depend करता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत और कितना time लगा है. The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Bashshah. ये जो क्रेडिट है शॉल की इंडस्ट्री को शुरू करने का ये जाता है सुल्तान जैनुल अबिदीन को जिनको कि बादशाह के नाम से भी जाना जाता है. अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन हगल हु विजिटेड कश्मीर इन 1836 द सुल्तान समन्ड इन द 15th सेंचुरी अ हाई स्किल्ड वीवर नाग्स बेग फ्रॉम तुर्किस्तान टू बिल्ड अ लूम फॉर वीविंग शॉल्स. कार्ल वॉन हगल के अनुसार जिन्होंने जो कि कश्मीर गए थे 1836 में उन्होंने बताया कि जो सुल्तान थे उन्होंने 15 सेंचुरी में एक बहुत ही काबिल बुनकर नग्ज बेग को जो है तुर्किस्तान से बुलाया था कि वो जो है एक लूम बनाए ताकि शॉल्स को बुना जा सके. द मुगल्स रीऑर्गेनाइज द इंडस्ट्री. फिर मुगल्स ने इस इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया. अकबर एंड हिज सक्सेसर वो शॉल्स ऑफ कश्मीर. ज्यादातर अकबर और उनके जो आगे आने वाले वंशज थे वो सबके सब जो है कश्मीर के ही शॉल्स पहनते थे. आफ्टर नेपोलियन प्रेजेंटेड अ रेयर शॉल To Empress Josephine, shawls became a craze in France. जब नेपोलियन ने ये बहुत ही रेयर शॉल जो है एम्प्रेस जोसफीन को प्रेजेंट किया गिफ्ट दिया तो शॉल जो है वो क्रेज बन गया एक तरह से फ्रांस के अंदर. The British were the first to develop an interest in Kashmiri's woven goods. ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पहले थे जिन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कश्मीर में बने हुए चीजों से. Both Britain and France sought to manufacture and copy Kashmir shawls. But they followed a technique more in keeping with the European tradition. अब दोनों ही ब्रिटेन और फ्रांस उन्होंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए कॉपी करा जाए बिल्कुल कश्मीर शॉल्स को लेकिन उन्होंने जो टेक्निक थी वो इस तरह से ज्यादा ध्यान रखी कि उसमें यूरोपियन ट्रेडिशन भी झलकना चाहिए. The European shawls were trimmed
which weakened the shawl and thus the beauty was marred. जो यूरोपीय शॉल्स थे वो छोटे होते थे और जिससे क्या हुआ कि जो शॉल है उसकी थोड़ा सा वो कमजोर बन जाते कमजोर पड़ जाते थे और उससे जो ब्यूटी है वो खराब हो जाती थी. The European women preferred Kashmiri shawls who were warped and weft were interwoven and interlocked, making their decorated sections much stronger. जो यूरोपियन वुमेन थी वो ज्यादातर प्रेफर करती थी कश्मीरी शॉल्स को जिनके की धागे जो हैं ताना बाना इस तरह से बुना हुआ होता था और इंटरलॉक होता था कि उनके जो डेकोरेटेड सेक्शंस हैं यानी डिजाइंस हैं वो बहुत सुंदर रहती थी और मजबूत होती थी. ऑल्सो द यूरोपियन शॉल्स वर वोवन इन सेवरल पीसेस व्हिच हैड डन टू बी सीन टुगेदर, अ टेक्निक दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन फॉलोड इन कश्मीर. अब जो यूरोपियन शॉल्स थे वहां पे जो बनाया जाता था शॉल उसको जो है कई पीसेस में बनाते थे और बाद में जो है उन सारे पीसेस को सिल देते थे. ये टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट थी कश्मीरी शॉल से. इट वॉज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दैट यूरोपियंस लर्न्ड टू मेक अ सिंगल पीस ऑफ शॉल. 19th सेंचुरी में जाके यूरोपियंस ने सीखा कि किस तरह से सिंगल पीस एक शॉल का बनाते हैं. कश्मीरी शॉल्स आर यूज्ड एज वेडिंग गिफ्ट्स एंड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट आइटम्स इन द ब्राइड्स ट्रेजरी. ये जो कश्मीरी शॉल्स हैं ये एक वेडिंग गिफ्ट्स की तरह दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो ब्राइड का ट्रेजर होता है उसमें जो है उसके बहुत एक इम्पोर्टेंट आइटम प्ले करते हैं. They are worn by men of elite class over the shoulders. ज्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो अपने कंधों पे इस तरह के शॉल्स को डाले रहते हैं. कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री फीड्स अ लॉट ऑफ पीपल मेन एंड वुमेन स्पेशली इन विलेजेस इन कश्मीर. ये जो कश्मीरी शॉल हैं इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फलते फूलते हैं, चाहे मेन हो वुमेन हो, खास तौर से कश्मीर में जो गाँव है वहाँ के लोग. Even young girls and boys help their parents in embroidery work. यहाँ तक कि जो young girls और boys हैं, वो भी अपने parents के इस embroidery work में हाथ बटाते हैं. Although people have to sit a long time to weave, they do it to earn their livelihood. लोगों को बहुत देर तक बैठना पड़ता है क्योंकि पूरा जब तक शॉल बुन नहीं जाएगा तब तक आपको काम करना पड़ेगा. लेकिन अपनी अगर जीवनी कमानी है, जीविका कमानी है, तो आपको इतना बैठकर काम करना पड़ेगा. ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.